वहां सतलोक के अंदर ऐसी शंखों लहर मेहर की उपजे, क्योंकि वह बॉडी दूसरे टाइप की है, ऐसा शरीर नहीं है सतलोक में। शरीर एज इट इज है, सकल सूरत ऐसी है, मूर्त ऐसी है, लेकिन वो मटेरियल ये नहीं है, वो नूर एक तत्व से बना है, उसमें ये रक्त नहीं है, मांस हड्डी चाम नहीं है, एक नूर से बना हुआ है। अब ये आध्यात्मिक मार्ग है, ये समझ माना बहुत कठिन हो जाता है कि नूर से कैसे बनता है। अब जैसे ये शरीर पांच तत्वों से बना है, कैसा रूप है इसका, पांच तत्व कौन से हैं, पृथ्वी आकाश अग्नि जल वायु, ये पांच इसके, और इसमें ये पांचों कहीं नजर नहीं आ रहे, कहीं नहीं दिखाई देते। ऐसे ही एक नूर से वह हमारे शरीर बनते हैं, उनमें ना बीपी हाई होता, ना कभी लो होता, ना कैंसर होती, ना किसी प्रकार का कोई संसारिक झंझट, वहाँ कोई काम नहीं आपको, और यहाँ फुर्सत नहीं आके देवताओं को भी एक सेकंड की, सबकी गृहस्थी सबके साथ यही खाना पीना पेट भरना और धंधा करना, सारा जीवन प्राणी इस शरीर के पोषण में ही व्यतीत कर देता है। सुबह उठता है, उठते ही चाय पानी खाना बनाओ खाओ, फिर काम पर जाओ, दोपहर में फिर खाओ, फिर अपना काम करो, फिर शाम में खाओ, और फिर उठते फिर चलो, आजीवन तक यही करते करते इस शरीर से कार्य लेने के लिए इसमें पहले हमने आहार डालना पड़ता है, और इसी व्यवस्था में सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है, और वहाँ सतलोक में जाकर के कोई काम नहीं, राग द्वेष नहीं, भाई बंटवारा नहीं, बिल्कुल सब सदाबहार वृक्ष है। ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु और ये जय गुरुदेव वाले पंथ के गुरुजन, इन कह कह का पता नहीं, और कहते हैं सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और परमात्मा निराकार है। आत्मा परमात्मा में, मोक्ष प्राप्त आत्मा परमात्मा में ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में। अरे भले आदमियों, परमात्मा के दर्शन के लिए महापुरुषों ने समाधियां लगाई, परमात्मा के दर्शन के लिए परमेश्वर ने सौ सौ बार बताया कि परमात्मा के दर्शन करो, अरस कुरस पर सवेत गुमट है जहाँ सतगुरु का डेरा, सवेत मुखट सिर छतर विराजे और देखत ना उस चेहरे नु, यदि वहाँ परमात्मा है ही नहीं तो हम के करेंगे उड़े, वहाँ हमने क्या आवश्यकता जाने की, भगवान के लिए तरफ रहे हैं। अब कोई कहे कि उस आश्रम में चलो बरवाला में, और फिर कोई कहे गुरुजी तो है नहीं वहाँ पर, निराकार ही निराकार है, फिर टिंडे लेना होगा यहाँ आदमी क्या करेगा, ऐसा मूर्ख बना रखे हमारे को, परमात्मा के लिए तरफ रहे हैं, उसके दर्शन करेंगे, अपना दुखड़ा रोवाएंगे, सीने से लगाएंगे, और नो कहते वहाँ है ही नहीं, फिर रुचि भी बनी हुई है न कि वहाँ जाने की, हद पाट जी कती है, कितने श्रद्धालु हैं। दरअसल बात यह है कि ना तो वहाँ जाना किसी ने, क्योंकि साधना जान की नहीं। तो इस प्रकार ये अज्ञान है, और परमात्मा ने जो बताया वो वास्तविक ज्ञान तत्व ज्ञान है, कि वहाँ पर सदाबहार वृक्ष हैं, बहुत सुंदर दूधों के सरोवर भरे हैं। ये जो यहाँ गंगा जल है, आपने देखा होगा गंगा नदी का जल, ये सतलोक से आया हुआ है। अब जैसे यहाँ आकर गिरता है, किसी ने दिखता नहीं, ये कहाँ से आ रहा है, इस पहाड़ से नहीं है, ये ऊपर से परमात्मा की व्यवस्था गुप्त रूप से आके यहाँ प्रकट कर दी जाती है। आजकल तो अंडरस्टूड है, विज्ञान ने बहुत कुछ करके दिखा दिया, आजकल यहाँ से फैक्स कर देते हैं, बीच में कुछ भी नहीं है, आगे जाके पूरा मैटर सामने होता है, फिल्म भी सामने होती है, आ जाती है। ऐसे ये सतलोक से आई थी, सबसे पहले ये ब्रह्मलोक में गिरी, काल के लोक में,
सब जगह इनके एक जटा कुंडली डैम बने हुए हैं, वहां से ओवरफ्लो होकर फिर वहां से चल पड़ती है वास रूप बन करके, फिर दूसरी जगह के बर्फ रूप धारण करती है, वहां से फिर ये मेल्ट होकर के जल बन जाती है, फिर आगे चलती ऐसे ही यहाँ आकर के गिरी हुई है। तो ये एक रिहर्सल है कि वहाँ का मटेरियल खराब नहीं होता, पदार्थ कभी भी खराब नहीं होता। गंगा जल को आप कितने ही दिन तक रखो वो खराब नहीं होगा, उसमें गंदा नहीं होगा। और दूसरा आपको प्रमाण दिखाते हैं कि हम इस परमेश्वर की अमर वाणी का पाठ करते हैं जो यहाँ यज्ञ होता है, और यहाँ पर ये जल रखते हैं, एक सिंपल जल होता है यहाँ आम टूटियों का भरा हुआ, और इसको फिर परमात्मा की वाणी इसके ऊपर चलती है, मंत्र करते हैं, ये वाणी चलती है, मंत्र हैं भगवान के, ये सत्संग होता है, ये सब उसके ऊपर उस जल को अमृत बना देते हैं, गंगा से भी उत्तम बन जाता है वो। गंगा तो एक जल का काम करता है और वो एक बहुत प्रबल अमृत बन जाता है, और उसको कितने दिन तक रखिए आप, कभी खराब नहीं होता। हमारे पास रखा है सन 1996 का, 1996 का ये अमृत रखा हुआ आज तक एक बोतल में, और एज इट इज है। तो जिस परमात्मा की चर्चा करने मात्र से जल भी अमृत बन जाता है, तो पुण्यात्मा जो सत्संग हम करते हैं, परमात्मा की महिमा सुनाते हैं, अमृत वाणी बोलकर सुनाते हैं, इससे पशु पक्षियों पर भी प्रभाव पड़ता है, चींटियों पर भी प्रभाव पड़ता है, पौधों पर वृक्षों पर भी प्रभाव पड़ता है, और इनको भी बहुत कुछ शक्ति प्राप्त होती है, और समय आने पर इनको ये काम देगी, इनको लाभ देगी। तो उस सतलोक के अंदर कोई पदार्थ खराब नहीं होता, सड़ता नहीं, गलता नहीं, और सदा बार वृक्ष हैं, सूखते नहीं, और वहाँ कोई काम नहीं, परमात्मा की याद में आत्मा भीगी रहती है, मस्त रहती है, बहुत आनंद रहता है, चर्चा चलती हैं, ऐसे मंडलियाँ बैठकर बतलाती हैं, और नीचे के दुखों को देखकर आंखों में आंसू आते हैं कि कैसे रजा हुई परमात्मा, हम कैसे निकला इस गंदते हैं। वहाँ जाकर जब नीचे को देखते हो ना, इसमें सड़ांद आती है, इस 21 ब्रह्मांड में तो सड़ांद बुदबू दुर्गंध आती है। गरीबदास साहिब जी ने लिखा है कि लख योजन तक जात है या दुनिया की गंध दुर्गंध। इस पृथ्वी लोक पर रहने वाले प्राणियों के अंदर से निकल रहे ये बदबू, कहते हैं 1,00,000 योजन लगभग 12,00,000 किलोमीटर ऊंचाई तक इसकी बदबू जाती है, स्मेल, बैड स्मेल जाती है। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार की विवेचन से आपका मन परमात्मा की तरफ आकर्षित होगा और यहां से चलने की तैयारी करोगे, अन्यथा हम इसी व्यवस्था को फाइनल मान चुके हैं, मृत्यु तो होनी ही है, लेकिन मृत्यु से पहले बच्चों का विवाह हो जावे और इनको भी भगवान संतान दे दे, इनका रोजगार ठीक हो जाए, फिर हम बेशक मर जावे। हमने इतना फाइनल कर रखा, बस ये हमारी फाइनल सोच है। अब कारण क्या है कि विकल्प नहीं था हमारे पास कोई भी, अब परमात्मा ना के दया करिए अपने बच्चों पर, वो खजाना खोल दिया जो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मैं आपको ये सारा ज्ञान बताऊंगा, लेकिन इस तत्व ज्ञान को अभी सार्वजनिक मत करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम कितबार ना जाई, सार नाम बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितरही। फिर कहा है कि धर्मदास मोरी लाख दोहाई, ये मूल ज्ञान कई बार ना जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ मिट जाई। अपने आत्मा उस परमेश्वर ने आकर स्वयं ही हमारी सुध ली, अपनी जानकारी आप बताई आकर के। अपने आत्मा अभी तक किसी भी संत या ऋषि महर्षि का विधान या उनका अनुभव देख लो,
सुन लो, पढ़ लो, सभी ने यही कहा कि परमात्मा निराकार है। चाहे कोई विष्णु जी का पुजारी है और सामने मूर्ति रखी है भगवान की, उसको भी कहते हैं क्या मेडिटेशन करता तो का ध्यान लगाता हूँ, आपको कोई दिखाई दिया कि नहीं? परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता, भगवान दिखाई नहीं देता। कैसा है भगवान? वो तो निराकार है। तो विष्णु जी क्या है आपका? विष्णु जी क्या है? ये निराकार है साकार, और फिर भगवान कौन है? यदि आप जी का इष्ट श्री विष्णु जी है और फिर आप मेडिटेशन में ढूंढ किसको रहे हो, कहते निराकार है वो, तो फिर विष्णु जी क्या है? इसको कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंदरे और दिखत के तय नैन चश्मिन के फेरा मोतिया बंदरे। एक शेख फरीद नाम के मुसलमान धर्म के अंदर एक फक्कड़ फकीर हुए हैं। बचपन से उसकी श्रद्धा भगवान में थी। पुण्यात्माओं, जो पुण्यकर्मी प्राणी पिछले जन्म जन्मांतर से परमात्मा की साधना भक्ति करते आ रहे हैं, उन्हीं को आज एक विशेष तरफ है परमात्मा के पाने की। यहाँ गरीबदास महाराज जी कहते हैं साधों से ती मस्करी और चोरा नाल खुशहाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। यदि आप जी किसी को यह सच्चाई बताने की चेष्टा करते हो तो आपका मजाक करते हैं, और इन झूठिया ने दुनिया बुका कर डाल दी, अपने करोड़ों शिष्य बना दिए एक अटबट करके। कहते इन चोरा नाल खुशहाल, बेखों के लश्कर फिर ये वाणी चोर कठोर, सतगुर धाम न पहुंचेंगे ये चौरासी के ढोर। फिर कहा कि मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। माल माने रेसलर, पहलवान, जो एक्सरसाइज करता है डेली, और कभी समय आने पर उसकी कुश्ती किसी के साथ होती है रेसलिंग, तो वो मल अखाड़ा, वो मल ही जीता करते हैं, पहलवान ही जीता करते हैं। आप जी उस परमात्मा के अखाड़े के पहलवान हो, बेटी भाई बहन बुजुर्ग जो भी है जैसा भी है, युगों युगों से आप ये एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हो। आप ही में से पारण का नंबर आओगा, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं विद्यालय में, तो जो विद्यालय में जाते हैं उन्हीं में से पास होते हैं, और कोई जो पाली जाता है गधा पर बारी लेता है बैठ कर सवारी करता है स्कूल नहीं जाता है तो वो पास नहीं होते। आप ही पार होगे। अब आपको वो विद्यालय मिल गया जहाँ सीधी टिकट सतलोक की मिलती है, तो अब आप पिछले जन्म जन्मांतर से तपस्या साधना भक्ति जैसी भी पता लगा भगवान के लिए अवश्य प्रयत्नशील रहे हो, और तुम्हारे में से आज सिलेक्शन हो रहा है। आप कहीं भी गए हो भगवान के लिए गए थे, किसी संत के शिष्य बने या किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में आपने जाकर साधनाएं की, कहीं गुफा में गए, कोई तप किया, कोई व्रत किया, परमात्मा के लिए प्रयत्नशील थे। आप पिछले जन्मों के पहलवान थे, आप माल थे पिछले जन्म जन्मांतर के, लेकिन आपको दिशा ठीक ना मिली, जिस कारण से आत्मा आपकी भगवान बिना नहीं रह सकती। इस काल ने हमारे को मूर्ख बनाने के तरीके बहुत अपना रखे हैं। कोई शुक्रवार का व्रत रख के अपने आप को संतुष्ट मान रहा रखे रहे, कोई सोमवार का व्रत रखता है तो बहुत अच्छा रखे रहे, क्योंकि सैकड़ों समर्थक हैं, हाँ सही है मैं भी करता हूँ। और ये किसी को नहीं पता कि गीता जी के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, न कोई सुख प्राप्त होता है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में तुरंत कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, नथिंग एल्स। किसी की दंत कथा पर मत विश्वास करना, जो अपने सदग्रंथों में लिखा है उसी में वे ऑफ वर्शिप सही है, फाइनल है। अब जैसे ये श्री कृष्ण जी के पुजारी
पवित्र हिंदू धर्म में जितने भी पुण्यात्मा हैं, आप गीता जी को सिरोधार्य मानते हैं और नाम जपते हैं, हरे राम हरे कृष्ण, राध्य राध्य श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, एवं नमः, ये पता नहीं कितने मंत्र बना रखे। गीता जी में है कोई मंत्र ऐसा? गीता जी में फाइनल फैसला कर रखे है। गीता जी दया नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम इति एक अक्षरम, ये ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। उच्चारण करके सिमरन करता हुआ जो अंतिम श्वास तक, शरीर छोड़ने तक इसका सिमरन करता हुआ छोड़कर जाता है, यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त होता है, ओम से मिलने वाली परम गति। ओम से मिलने वाली श्रेष्ठ गति कौन सी है? ब्रह्म लोक प्राप्ति, क्योंकि ओम ब्रह्म का मंत्र है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में बोल रहा है, वो कह रहा है कि मेरी गति में ये उदार आत्मा है तो अच्छी, लेकिन ये मेरे वाली घटिया गति में ही आश्रित रहे। ओम से मिलने वाली जो सुविधा है, मोक्ष है, जितना कहते यो तो व्यर्थ है, घटिया है, अनुत्तम है। अनुत्तम क्यों है? क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है 4th अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 2nd अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2nd श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो इसी से दह के जन्म मृत्यु ब्रह्म की भी, और पुजारी भी फिर जो दुखी जन्म और मृत्यु जैसा दुख नहीं पृथ्वी पर। इसलिए गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब पुण्यात्माओं, 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट किया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की पूजा यानी तत्ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना का 3 मंत्र का जाप है उसको प्राप्ति का, ओम तत् सत, ओम ब्रह्म का, सरपुरुष भी कहते हैं इस ब्रह्म को, और तत् अक्षर पुरुष का वो सांकेतिक है, और सत जो है परम अक्षर ब्रह्म का, इनकी मजदूरी करनी है। इन तीनों की साधना से ही परमात्मा प्राप्ति, सतलोक प्राप्ति होगी। ओम और तत् सांकेतिक है, ये दोनों मिलकर 2 अक्षर का सतनाम बनता है, और तीसरा वो सार नाम है जो सत कहा है गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में। तो कहने का भाव ये है कि हम साधना करने का खूब कोशिश की, हमने अब पढ़े गीता और नाम ले हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे, कोई बात हुई या बालकों का खेल बना रखे हमने, भगवान की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। गीता जी में है कहीं ये मंत्र, फिर जाप किस लिए कर रहे हो? परमात्मा का विधान है ये। यदि कहो कि तुम कि पुराणों में ऐसा लिखा है, पुराणों में भी, पुराण क्या चीज है, गीता जी क्या शास्त्र है, चारों वेद पूर्ण परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने इस ब्रह्म के अंतःकरण में फीड कर दिए थे, 5 वेद किए थे, सूक्ष्म वेद भी जो परमेश्वर ने स्वयं आकर बोलना पड़ा, इसने नष्ट कर दिया फिर, और उसमें ऐसे फीड कर दिए जैसे उसका निर्धारित समय रख दिया, इतने समय के बाद वो अपने आप इसके श्वासों के माध्यम से बाहर निकले आए। इसने सारे के सारों को पढ़ा तो इसमें देखा कि जो 5वां वेद है उसमें पूरा निर्णायक ज्ञान है, कबीर इज गॉड, वो साकार है, मनुष्य दृश्य है, और उसकी भक्ति की विधि ये है, उसमें सारा कंप्लीट था। तो इसने 5वां वेद नष्ट कर दिया, 4 वेद जिसमें महिमा तो परमात्मा की है लेकिन वे ऑफ वर्शिप नहीं है, उसमें पूजा की विधि नहीं है, वो 4 वेद अपने पुत्र ब्रह्मा को दे दिए, ब्रह्मा जी ने उनको पढ़ा, जैसा भी अभी तक इनके समझ में नहीं आ रहा यु है कि क्या कहानी है, तो ब्रह्मा जी से ही ज्ञान प्राप्त हुआ कि उन्होंने
अन्य ऋषियों ने, तो उन अन्य ऋषियों का और साथ में इस ब्रह्मा जी का जो ज्ञान है वो पुराण है, और वेद ज्ञान है गॉड गिवन, गीता जी जो श्रीमद् भगवद गीता ये भी वेद ज्ञान है। इसमें थोड़ी सी इसने अपना मिक्सर कर रखा है, गीता जी में जगह जगह इसने कुछ संकेत दिए हैं कि ये मेरा मत है, उसका मत छोड़ के बाकी सब वेद ज्ञान है। अपनात्मा वेद जो हैं ये परमात्मा का विधान है, आदेश है, संविधान है, और जो पुराण हैं उनमें किसी ऋषि या ब्रह्मा विष्णु महेश देवता का आदेश है, उनका अपना अनुभव है। तो हमने गीता जी के अतिरिक्त, वेदों के अतिरिक्त किसी की भी आदेश की पालना नहीं करनी है। यदि हम परमात्मा के विधान के विरुद्ध किसी की आज्ञा का पालन करके साधना करते हैं तो वो शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना आचरण है। पुराण जो हैं ये हेल्प करते हैं केवल परमात्मा की महिमा को समझने के लिए, लेकिन परमात्मा पाने का केवल गीता जी और वेद ही विधान है। और पांचवा वेद जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला, जो सच्चिदानंद गण ब्रह्म की वाणी कहलाती है, कबीर वाणी, वो उसमें सारे ही ज्ञान है, इंक्लूडिंग चारों वेद और साथ में गीता और पुराण सभी उसमें इंक्लूड है। एक व्यक्ति था, उसका मित्र एक था एसएचओ, उसने अपने मित्र से कहा कि मेरा जो पड़ोसी है साथ वाले मकान का, वो मुझे बहुत परेशान करता है, किसी तरह बाज नहीं आता है, मैं क्या करूं। अब एसएचओ ने कहा कि मार लठ उसके, मैं आप देख लूंगा, पहले ऐसे समय थे। अब उसने अपने मित्र उस दरोगा जी का आदेश पालन करके अपने पड़ोसी से झगड़ा ठान लिया, लठम लठा हो गए, पड़ोसी मर गया। अब वो साथी, साथ वाले मकान का व्यक्ति मर गया तो उसको पकड़ कर ले गया, वही ऐसा तो दोस्त का मित्र था, और कोतवाली में दे दिया और उसको सजा होगी, सजाए मौत होगी। अब उसने क्या गलती करी कि राजा का विधान है कि कोई किसी की हत्या करेगा उसको सजाए मौत दी जाएगी। उस व्यक्ति ने एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके और अपने साथी का लठ मार के मृत्यु कर दी, राजा का विधान तोड़ दिया। अब राजा के विधान अनुसार उसको सजाए मौत होगी, वो अधिकारी कुछ नहीं कर सका। तो पुण्यात्माओं, हमने ऐसे जानना है कि जो वेद और गीता ये परमात्मा का विधान संदेश है, इसमें जो लिखा वही फाइनल है, इसके अतिरिक्त ऋषियों की देवताओं की जो अपने अनुभव की बातें हैं वो हमने पूजा की विधि में स्वीकार नहीं करनी, क्योंकि वो एक अधिकारी का आदेश हो जाएगा, उसको पालन करने से भगवान का विधान खंड हो जाएगा और हम दोषी अपराधी हो जाएंगे। अब प्रसंग चल रहा है कि आज तक हमें परमात्मा की जानकारी यथार्थ रूप में नहीं हुई। एक शेख फरीद नाम का मुसलमान धर्म में उत्पन्न एक पुण्यकर्मी प्राणी था। पुण्यात्माओं, हम आज से नहीं जन्म मर रहे, असंख्य जन्म हो गए, और इस चतुर्युगी में हम सतयुग से लेकर आज तक जन्मते मरते रहे, और इस कलयुग से पहले हम अलग ना कोई मुसलमान था, ना हिंदू था, ना सिख था, ना ईसाई था, सब वैदिक धर्म को मानने वाले होते थे, वेदानुसार ओम नाम का जाप करते थे और कोई साधना वो सर्व यज्ञ हवन आदि करते थे, 500 यज्ञ किया करते थे। अब हमारे आपस में संस्कार एक दूसरे के मिक्स हैं, आज कोई हिंदू धर्म में जन्मा है तो कल मुसलमान धर्म में जन्म ले सकता है, आज कोई मुसलमान धर्म में कट्टर हुआ बैठा कल मृत्यु होगी उसके बाद वो हिंदू धर्म के अंदर जन्म ले सकता है, ईसाई के भी ले सकता है, ईसाई भी की मृत्यु के बाद ईसाई भी यहाँ आ सकते हैं हिंदू धर्म में और सिख धर्म में भी जा सकते हैं। तो कहने का भाव यह है कि हमने अपनी बुद्धि को बहुत ऊपर उठाना पड़ेगा, तब हम इस काल के जाल से निकल पाएंगे। तो पुण्यकर्मी प्राणी शेख फरीद
बचपन से ही परमात्मा में उसकी श्रद्धा बनी, पिछले संस्कार प्रबल थे उसके। उसके लिए थोड़ा सा कथा सुनाते हैं कि वो शरारती बहुत था, उलाने बहुत लाता था, गांव में जाकर के दूसरे बच्चों के साथ झगड़ा कर देता था, किसी को कुछ छेड़छाड़ कर देता था आपस में बच्चों के साथ, या किसी के घर में घुस के उनका कोई बर्तन बुर्तन उठपटंग कर देता था, उलाने आते थे। उसकी माता बहुत तंग होगी, उसने सोचा अब क्या करूं, इसको कैसे शांत करूं। तब उसने एक दिन सोचा कि इसको कहती हूं कि बेटा तू नमाज कर ले। शेख फरीद की माता ने कहा कि बेटा तू नमाज करा कर, छोटा ही बालक था 3-4 वर्ष का। कहने लगा क्यों, मैं क्यों करूं नमाज, मुझे क्या मिलेगा। और वो उसका फेवरेट फ्रूट था खजूर, जो है वो खजूर बहुत खाता था, उसको बड़ा पसंद थे। उसने कहा, माँ ने कहा, बेटा अल्लाह तुझे खजूर देगा कि सचमुच अकां प्रतिदिन हाँ प्रतिदिन देगा। वो कहने लगा, माँ बता फिर कैसे करते नमाज। नोली डट जा, कोई समय होता नमाज करने का, मैं बताऊंगी, इतना बैठ जा। वो इतना बैठा रहा। अब माँ ने सोचा मेरा काम करने का समय है, इसने ला दूं नमाज करन, अरे तू काम कर लेगी इतनी ना, तो तेरा पता नहीं क्या उलाने लाओगा। उसने एक कपड़ा बिछाया और कहा, बेटा ऐसे मत्था टेक ले और यूं कहता रहे, अल्लाह मुझे खजूर दे, अल्लाह मुझे खजूर दे, यही नमाज है। और तो उसके याद क्यों होती बालक के। जब उसने वो काफ़ी देर करता रहा, उसकी मम्मी ने क्या किया, एक पत्ते में खजूर लपेट के, थोड़ा सा खजूर दो पत्तों में, उस कपड़ा बिछा रखा था उसके नीचे रखा ही। और जब सारा काम कर लिया, जब कहने लगी, बेटा आंख खोल दे बाजा, वो उठा, उसने देखा इधर उधर, कहने लगा, माँ अल्लाह ने खजूर तो दिया ही नहीं, मैं नहीं करूँ आज के बाद बिल्कुल भी। उसकी माँ ने कहा, बेटा अल्लाह ऐसे सरेआम थोड़ा ही देता है, वो तो गुप्त देता है बेटा, देख कहीं रख गए होंगे आसन के नीचे। उसने कपड़ा उठाकर देखा तो रखा मिला, खावर कूद खा लिया, वाह जी वाह। फिर कहता, माँ अब फिर बता कब करनी है वो नमाज। एक दिन क्या हुआ कि माता ऐसे प्रतिदिन उसको बैठा दे, वो ऐसे ही बिल्कुल दर्द होकर दो दो तीन तीन घंटे उठे को नहीं। एक दिन उसकी माता वो खजूर रखना भूल गई और उसने कह दिया, आजा बेटा, वो उठ गया। उसने उठाकर पल्ला देखा, खजूर वेजिटीज रखे जैसे पहले रखती थी उसकी माँ। अब फिर उसकी माँ कभी याद आ गया, आज तो मेरे से गलती होगी, यू कभी नहीं कराई भी सा नालायक से, आज इसको खजूर मिले नहीं। तो उसी समय वो खजूर खाता हुआ आ रहा था, उसकी माँ ने कहा, बेटा ये खजूर कहाँ से लाया तू, अल्लाह रोज देता है मुझे। कहने लगी, कहाँ था ये खजूर, अब वहीं जहाँ पहले रखते थे, आज दिखाऊँ, एक पत्ता तो वहीं छोड़ के आया नीचे वाला। अब जाकर देखा सचमुच खजूर ज्यों के त्यों। उसकी माँ तो हैरान रहेगी कि परमात्मा बड़ी सुनी नाताज के बाद तो कभी नहीं करा नमाज। कहने का भाव ये है कि कहते हैं पिछले तप से होते हैं, पूर्ण हंस मुराद, पिछला संस्कारी हंस था, परमात्मा नास्था बढ़ानी थी, उसकी माँ का भी फिर लगन बन गई, वह बस नकली सा काम करा करती। उस दिन के बाद उसकी माँ का भी दृढ़ विश्वास हो गया, भगवान है, अल्लाह है कहीं पर। तो जब वो बड़ा हुआ तो उसने घर त्याग दिया, क्योंकि रुक नहीं सकता वो प्राणी जिसको चाह भगवान की है। अब जो परंपरागत उनकी क्रियाएं थी, मांस खाना, वो उनको पसंद नहीं था, उस प्यारी आत्मा को उसने छोड़ दिया कि ये तो कोई दची नहीं बात, हिंसा करके भगवान मिला करते हैं कभी। अब वो शेख फरीद पुण्यात्मा परमात्मा की तलाश में कहाँ जाते हैं, संत के पास, के संतों के पास परमात्मा के पाने की विधि होती है। एक फक्कड़ फकीर था, सिद्ध पुरुष था, साधना करता था, सिद्धि में प्रसिद्ध हो रहा था, उसके पास पहुंच गए, उनसे बातें की, उसने अपना जो साधन जाने था वो बता दिया, बेटा कठिन से कठिन तप कर, जितना कष्ट दोगे शरीर को उतना ही भगवान निकटाएगा। अब शेख प्रीत तो गए ही भगवान पाने के लिए थे, दिन रात अपने खूब कष्ट करें, जो भी गुरु जी आदेश दें वही पालन करें।
अब शेख फरीद गए हुए थे किस लिए? परमात्मा के लिए, और गुरु जी के आदेश का 100% पालन करते थे। उस आश्रम में उनके पास और भी 5-7 शेष रहते थे, और शेख फरीद के जाने के बाद उनके गुरुदेव की उस बच्चे में वो ज़्यादा प्रिय लगने लगा, क्योंकि वो हर कार्य को उनकी इच्छा अनुसार करता था। ऐसे बैठा रहता था या खड़ा रहता था जब तक आज्ञा नहीं होती थी। उनके गुरुजी अधिकतर उसी से सेवा लेते थे, तो अन्य शिष्य ईर्ष्या करने लगे कि शेख फरीद तो गुरुजी के हृदय में बस गया और आश्रम इसको देंगे लास्ट में मृत्यु के बाद, और तुम रह गए अब घर छोड़ा परमात्मा पाने के लिए, और वहाँ जाकर फिर ये राग द्वेष और मान बड़ाई की भूख ज्योंकी तू, फिर किस लिए डले ढो रहे हो वहाँ पर? अगर तुमने आश्रम की जरूरत है, भगवान की नहीं रही, मान बड़ाई की भूख है तो भक्त नहीं। ये शेख फरीद में नहीं थी। अब अन्य जो शिष्य थे उन्होंने सोचा इसको गुरु जी की नज़रों से गिराते हैं। वो जो सिद्ध पुरुष था, मुसलमान धर्म में फक्कड़ फकीर था, तपस्वी था, वो क्या करा करता? हुक्का पिया करता खाना खाते समय, और शाम के समय विशेषकर हुक्का पीकर तुरंत सो जाता था, सुबह वक्त से उठ जाता था। तो आश्रम में प्रत्येक भक्त की एक दिन की सेवा बांट रखी थी कि इस दिन वो सारी सेवा करेगा, इस दिन वो करेगा, इस दिन वो करेगा। जिस दिन शेख फरीद की सेवा का टर्न आया, उस दिन अन्य सेवकों ने सोचा कि आज इसको गुरुदेव के नज़रों से गिराते हैं। वर्षा का मौसम था लेकिन वर्षा नहीं हो रही थी। शेख फरीद ने शाम के समय खाना बनाया गुरुजी के लिए, और गुरुजी के हुक्के के लिए पहले अग्नि तैयार कर देता था, उसने अग्नि तैयार कर ली थी। खाना खिलाने गया हुआ था, पीछे से उनके अन्य ईर्ष्यालु साथियों ने वो अग्नि बुझा दी, पानी पुनी छिड़क दिया। अब शेख फरीद ने तो ये सोचा था कि 2 मिनट में हुक्का भर के दे दूंगा, और वो गुरुजी इतना क्रोधी था अगर 5 मिनट लेट हो जाता ना कोई भी किसी कार्य में, उससे इतना नाराज हो जाता, उसको डंडे मारता था और कई दिन तक उसको सेवा नहीं देता था। तो अब शेख फरीद जी गए अपनी मस्ती में कि जाके हुक्का भर दूंगा, जाके देखा आग नहीं है। अब शेख फरीद को तो भाई चिंता का विषय हो गया, इधर देखा उधर देखा अग्नि नहीं बिल्कुल भी, थोड़ी सी दूर पर देखा कि गांव था, नगर था, वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे वहाँ धुआं उठ रहा था, चलम उठा के भाग लिया पूरी स्पीड तय। वहाँ जाकर देखा तो एक माई चूल्हे में अग्नि जलाने की चेष्टा कर रही थी, फूंक मार रही थी और आँखों में पानी गिर रहा था, धुआं वापस आकर उसको परेशान कर रहा था। अब शेख फरीद दौड़ा दौड़ा गया, माई माई कहाँ कौन है, हाँ महाराज क्या बात है, कि माई आग दे दो हुक्का भरना है। वह माई थी नरी निकम्मी, नो बोली आँख फूट जाना जब आग मिला है, आँख फुटवा ले तू भी अपनी। अब वो बोला आदमी था, साधु संत बोले वाले होते हैं, अक माई आँख फूटने से अग्नि मिल जाएगी, कहाँ मिल जाएगी, वनों का घर फिर फू फू करने लगेगी। अब उसने दे के चिमटा आँख में और बाहर निकाल कर रख दी, ले माई आग दे दे मुझे, ये आँख फोड़ ली मैंने। अब माई ने देखा उसके तो पाए तले की धरती निकलेगी, क्यों तू उस महात्मा का शिष्य है, वो बड़ा सिद्ध पुरुष है, और उसने कुछ वचन बोल दिए तेरा नाश हो जाएगा। उस माई ने सारी अग्नि बाहर काट दी चूल्हे थे, अकले बाबा भर ले। अब वो फटाफट धर के आकर उस आँख के एक बांध का कपड़ा सा और स्पीड से फिर भाग लिया। उधर से गुरुजी ने आवाज़ लगाई, रे शेख फरीद, रे फरीद कित मर गया। तीसरी आवाज़ जब लगाई, जब 2 एकड़ की दूरी से आवाज़ करी, आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। गुरुजी ने पूछा भी क्या बात है, इतनी देर कैसे लगा दी? जी आग मौसम वर्षा का था,
गुरुदेव अग्नि जलाई थी लेकिन आग बुझगी, गांव से दौड़ के लाया हूँ। आका अच्छा रख दे। अब अग्नि रख दी तो उक्का पीड़ का सोने की तैयारी में था, उसने देखा अंधेरा सा हो गया था, कह रहा आँख का केला गया जी, आप कह रहे क्या लगे गुरुदेव क्या लगे, नौका के बाहर निकल गया। का अच्छा भाई, अब माई ने सारी रात काटनी मुश्किल होगी, अब तेरे ऊपर बिजली गिरेगी, वो बताओगा गुरु जी को ऐसे ऐसे, और ये सिद्ध पुरुष है को वचन बोल दिया तेरा नाश होगा। सुबह सुबह जारी माई ले करके उसको आँख को मटके के कापण पर ढक्कन पर रख कर लेगी और कह महाराज मेरे से गलती होगी, माफ़ कर दियो, आपका शेष अग्नि लेने गया था मैं, ऐसे ऐसे धूमे में दुखी हो रही थी और मेरे मुख से निकल गया कि आँख फुटवा ले, आँख फुटे तो अग्नि मिलती है, और आपके शेष ने आँख निकाल कर रख दी, महाराज मेरे पर गलती होगी माफ़ कर दो, माथा टेक कर रोए बुढ़िया माई। अब उस गुरुजी के समझ में नहीं आ रही या कहना के चाह रही है, वो बोला माई मुझे ढंग से बता क्या बात है। कहने लगी जी ऐसे ऐसे बात थी, शेख फरीद को बुलाया, अरे फरीद इधरा। अका जी, अरे क्या हो गया। अका आपके रहते क्या हो गुरुदेव, आपकी दास को आपके रहते क्या होना था, ये कपड़ा क्यों बांध रखा है। अक जी ऐसे ही करके बोला खोल दे इसको। उसने कपड़ा खोल दिया तो आंख जो की त्यों पाई उस फरीद की। अब वह माई देख कर रान रहेगी लेकिन दूसरी आंख से वह कुछ छोटी बन गई, ये यकीन दिलाने के लिए कि सचमुच ये घटना घटी है। अपुण्य आत्माओं, ऐसे सिद्ध पुरुष और ऐसे करामात दिखा देते हैं तो फिर उसके ऊपर शंका हो किसने। अब ये बातें अब तत्व ज्ञान से आपका समझ में आएंगी कि ऐसा सिद्ध पुरुष था वो तपस्वी होका पाड़ कि उस, क्योंकि पिछले संस्कार थे उन पुनकर्मों प्राणियों के, पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, वर्तमान की सिद्ध साध्यनाथ कुछ थी नहीं उनकी, दोनों की ना शेख फरीद की थी ना उस गुरु की थी, पिछले संस्कारों से थी, पिछले जन्म जन्मों के वो विद्वान होते हैं तो भी उन्हीं को अंगड़ाई आती है भक्ति की, घर त्याग देते हैं लेकिन आगे साधना ना होने से वो अपनी बैटरी डिस्चार्ज कर जाते हैं। ऐसे सिद्धि दिखाकर अब सब जगह आस पास चर्चा का विषय हो गया, उस महाराज की वाह वाह होगी कि एक बालक की ऐसे ऐसे आंख भी पूरी कर दी उसने, सारी जनता आसपास की पूजन लायक गिर वो महात्मा सिद्ध पुरुष और सुप्रीम वो हो गया वहां का संत। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु के उपरांत शेख फरीद ने वो आश्रम त्याग दिया, सोचा साधना करनी है, गुरुजी ने कहा कठिन तप करो भगवान निकट आवेगा, उसके दीदार हो जाएगा। शेख फरीद तो परमात्मा पाने के लिए घर से निकला था और भगवान ना मिला तो इस मनुष्य शरीर का बनेगा क्या, मैं करूँगा क्या इस मिट्टी का, ये सोचकर गुरुजी के अब बताए अनुसार घोर तप शुरू कर दिया। एक वृक्ष की मोटी टहनी कुएं के ऊपर से गई हुई थी, उसने सोचा बहुत साधना कर ली वैसे करता हूँ, ऊपर रस्सा बांध लिया वृक्ष के और अपने पैरों में बांध लिया दोनों में और शेष रस्सा नीचे को लटका दिया और उल्टा लटक गया। अब 12 वर्ष तक उसने उल्टा लटक के कई कई घंटों कुएं में साधना की और 12 वर्ष के अंदर 50 किलो अन्न खाया था शेख फरीद ने, 50 किलो 12 वर्ष में। यदि 10 ग्राम भी हम सोच कर चल रहे तो एक महीने की भी, 10 ग्राम तो होता भी कुछ को ना, 100 ग्राम माने तो भी एक महीने की ही 36 किलो हो जाती है। अपने आत्माओं, अब 12 वर्ष के अंदर 40 किलो अन्न खाया तो कैसा शरीर होगा उसका, अस्थि पंजर रह गया शेष। वो बाहर आकर के कभी कभी विश्राम करता था, परमात्मा की याद को कि उसमें तरफ में रहता था और वो ऐसे लेटा हुआ था। कव्या ने देखा कि ये व्यक्ति मर चुका है, वो उसके ऊपर आकर बैठ गए, शरीर पर कहीं मांस था ही नहीं,
उन सोची कौओं ने कि माथे पर बैठ कर इनकी आँख निकाल लेते हैं। तब वो थोड़ा सा मुंह खुला उसका, कहा कि भाई कौओ मेरे शरीर पर कहीं मांस बचा हो उस मांस को खा लो, मेरी आँखों को मत छुओ, इनको इसको ना डिस्टर्ब करो, मुझे अल्लाह के दीदार की आशा है, मैंने भगवान देखना है, आंखें आंखें छोड़ दो मेरी, बाकी कहीं तुम्हें कुछ मिले तो खा लो। ये मुसलमान थे और जो मांस काम बकरे काटें गऊ काटें ये परमात्मा पालेंगे, तो वो इतना दयालु कहता कौओं को कि मेरे मांस खा लो कहीं मिल जावे तो, पर मेरी आंख मत छेड़ो, आंखें मत डिस्टर्ब करो, मुझे अल्लाह के दीदार की आशा है। अब उसने सोचा कि अगर बाहर रहूँगा तो कौवे खा जाएंगे, आँखों को भी फोड़ देंगे, भगवान मिला नहीं, उल्टा ही लटक गया। धीरे धीरे सर्क के वर्षों के साथ में अभ्यास हो रहा था और फूट फूट कर रोने लग गया, अल्लाह का दर्शन हुआ नहीं और अब शरीर रहा नहीं, अब खत्म प्राण जाने वाले, फूट फूट कर रोने लग गया। अब क्या किया, परमात्मा कहते हैं गोता मारू स्वर्ग में और जा बैठू पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। ये इस तरह के साधक पिछले जन्म जन्मांतरों में कभी परमात्मा के परम हंस रहे हैं इस धरती पृथ्वी पर, लेकिन बीच में फिसल जाते हैं, उन्हीं में से एक प्रीत था। अब परमात्मा पहुंच गए वहां पर, उस कुएं पर खड़े हो गए और उसके रस्से को पकड़ कर खींचने लगे, क्योंकि पहले कुएं बहुत गहरे होते थे, रस्से लंबे लंबे होते थे, ऐसे खींचने लगे बाहर को। शेख फरीद ने सोचा कोई शरारती आ गया पाली और मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, और पहले भी ऐसे गवाले जो होते थे भेड़ बकरियां चराने वाले जो गंवार टाइप व्यक्ति, उनमें से कोई ना कोई बाबा जी उस संत के रस्से को पकड़ कर ऐसे हिला देता था और यूं बैठ कर देखता था तमाशा, वो क्या कर लेता था, ऐसे सिर कर लेता था कि सिर में चोट ना आ जा, और कभी कुएं के इधर लगता था जाके कभी इधर, वो कुछ देर छेड़छाड़ कर चले जाते थे, पता था उसका कि किस किस के साथ लड़ूं, बच्चे हैं करते रहेंगे। उन्हीं में से कोई और दूसरा उनको धमका देता था कि ऐसा मत करा करो संतों के साथ, तो कई दिन नहीं कोई आता था। अब शेख फरीद ने सोचा कि पहले तो ऐसे हिला लूका छोड़ जाते थे, आज यू ऐसा निकम्मा मिल गया कि इसने बाहर निकाल लिया मैं। अब वो बाहर निकालते निकालते उल्टा लटका लटका कहता है, अरे भाई मुझे ना छेड़े, मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तू अपना काम कर। परमात्मा ने कहा कि तू क्या कर रहा है यहाँ पर, ए भाई मैं भगवान के दर्शन के लिए, परमात्मा को देखने के लिए, परमात्मा के पाने के लिए मैं साधना कर रहा हूँ। तो परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि मैं हूँ अल्लाहू अकबर। अब ये बात सुनकर शेख फरीद के माथे पर चोटी पड़ी, कहने लगे भाई मजाक ना करें, आप अल्लाह नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह तो निराकार है, वो तो बेचून है, अल्लाह दिखाई थोड़े देता है। परमात्मा कहने लगा बोले आदमी फिर तू डड़े डो, इसमें तू क्या कर रहा है, एक तरफ तो कहता मैं परमात्मा के दीदार के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ और परमात्मा निराकार बतावे तू, फिर क्यों डले डो रहा है इसमें, क्या फायदा तेरा इसमें ये साधना करने का, जब वो निराकार है क्या देखेगा, उसका दीदार क्या करेगा। अब क्या करे ना, गाम कर ज्ञान का तो चमका ऐसा लग गया करे, एकदम उसकी बुद्धि सेट होगी, मालिक खड़े सामने, उसको ये समझ में आ गई शेख फरीद के कि भाई अगर ये परमात्मा तो नहीं हो सकता लेकिन परमात्मा का बाखबर जरूर है, यानी तत्वदर्शी संत अवश्य है। उसने उल्टा लटके लटके पैर पकड़ दिए कि महाराज मुझे भगवान का ज्ञान बता दे, मुझे अल्लाह की आवश्यकता है, अल्लाह के दर्शन करूँगा।
परमात्मा ने कहा तुम फिर वही बात कर रहा, लागे दर्शन करूंगा, तुम्हारा अल्लाह बेचून निराकार बताओ तुम, अल्लाह के दर्शन क्या खाक करेगा तू? अगर दर्शन करेगा तो अल्लाह साकार हुआ। अब वो कहता हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं तो दीदार सब दाना नहीं चाहिए तुम्हारे मुख पर। तो वो कहने लगे जैसा भी है मुझे रास्ता बता दो, मैं भटक चुका हूँ, मेरा अंत आने वाला है और परमात्मा मुझे मिला नहीं। अब परमात्मा ने क्या कहा कि बेटा बच्चा इस देही शरीर के साथ तेरी के शत्रुता ही कति खत्म कर लिया, बहुत कॉस्टली है, इस तरह परमात्मा नहीं मिलता है। परमात्मा पाने का एक मंत्र है, जाप है, और भूखा रहने से भगवान मिले नहीं, गना खाने से भगवान मिले नहीं, इतना भी नहीं खाना चाहिए कि अंगड़ाई टूटर जो माइया दड़ी पक्का खा ले, और इतना कम भी नहीं खाना चाहिए कि कमर टेढ़ी हो जाए। के भक्ति करोगे, प्रथम अंजल संयम रख है, योग युगत सब सतगुरु भाक है, खाने पीने पर संयम बरत है, हिसाब का खावे, इतना खावे जो गणा नींद भी ना आवे और भूखा भी ना रहे और शरीर में फुर्ति स्फूर्ति बनी रहे, और ये साधना कर। फिर शेख फरीद को धीरे धीरे खाना खिलाया, फल खिलाए, फूल खिलाए, फिर धीरे धीरे खाना खाने लगा, और फिर वो परमात्मा के साथ ही हो लिया। अब पुण्यात्मा कबीर परमेश्वर जी वो पूर्ण परमात्मा हैं, अल्लाह अकबर हैं। अल्लाह कबीर कहो चाहे कबीर अल्लाह कहो, गॉड कबीर कहो, कबीर साहब कहो, अल्लाह अकबर कहो, अल्लाह कबीर या अकबर एक ही बात है। ऐसे अपनी प्यारी आत्माओं को फिर से सतमार्ग पर लगाते हैं, उनकी बैटरी चार्ज करते हैं। अपने आत्माओं कैसा है भगवान और कौन है परमात्मा, पहले तो हम अपने सदग्रंथों से पहचानेंगे कि कैसा है भगवान। जैसे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर चारों वेदों को एथेंटिक मानते हैं कि वेदों में जो लिखा वो फाइनल है, लेकिन वेदों का जो लेख है मूल पाठ संस्कृत भाषा में है। अपनात्माओं ज्ञान जो होता है, ज्ञान वो किसी भी भाषा में हो ज्ञान तो ज्ञान ही होता है। जैसे हम अपनी चाहे हरियाणवी भाषा में बोल के वो बात बता दें, और चाहे जिस भाषा को कोई समझता हो उसमें बोलकर बता दें, वो ज्ञान श्रेष्ठ हो, यथार्थ हो, तो उसका समझना आवश्यक है। अब एक भाषा को जान लेने से विद्वान नहीं हो जाता। जैसे संस्कृत भाषा को जानते थे ब्राह्मण वर्ग, और इन्हीं को पहले सतयुग त्रेता द्वापर तक इन्हीं को शिक्षा ग्रहण का आदेश था, दूसरे वर्ग को नहीं था, वर्ण को नहीं था। परमात्मा चारों युगों में आए हैं, सतयुग में सत सुकृत नाम से आए, तब इस मनु जैसे ऋषियों से मिले, ब्रह्मा से मिले, विष्णु से मिले, शिव जी से मिले, इनको यथार्थ ज्ञान समझा, इन्होंने ध्यान से सुना, लेकिन बाद में काल ने इनकी बुद्धि को बदल दिया कि ये झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, तो तीनों ने बगावत कर दी, भगवान की वाणी को स्वीकारा नहीं। मनु जी ने भी परमात्मा का नाम बिगाड़ दिया कि ये वाम देव है, वाम माने उल्टा, उल्टे अर्थ करने वाला, क्योंकि कबीर परमेश्वर कहते थे मैं परमात्मा हूं, तो इस बात का बहुत मजाक उड़ाते थे वो कि ये भगवान है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर मानता है, मेंटल है, मेंटल। वो कहा करते कि भगवान तो निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है। परमात्मा कहा करते कि ऊपर भी मैं ही हूं, नीचे भी मैं ही हूं, दोहों ठोड़ पर मैं ही हूं। तो उसका नाम वामदेव रख लिया, वामदेव। वाम माने उल्टा, उल्टी खोपड़ी वाला, वामदेव उल्टी खोपड़ी वाला भगवान नहीं माना। कहने का भाव किसी ने नहीं माना परमात्मा को। परमात्मा त्रेता युग में मुनिंदर नाम से आए थे, और द्वापर में करुणा में नाम से आए थे, जो सुपत सुदर्शन के गुरुजी बने थे, और त्रेता युग में आए थे जब मंदोदरी और नल नील
और लंका के अंदर जो एक चंद्रविजय भाट था उसके 16 सदस्यों ने नाम लिया था, और भी कुछ एक अच्छी आत्माओं ने परमात्मा की शरण ग्रहण की थी। अब कलयुग के अंदर वो परमात्मा आए और अपना यथार्थ ज्ञान स्वयं ही बताना पड़ता है परमात्मा को प्रत्येक युग में आके। अब जो परमेश्वर आए थे 600 वर्ष पहले बनारस में, उसमें भी परमेश्वर यही कहा करते थे कि तुम जिन भगवानों की पूजा करते हो इनकी पूजा का विधान वेदों में नहीं है, और ब्रह्मा विष्णु महेश को आप अजरो अमर मानते हो, ये अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति। इन तीनों देवताओं की 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बताया था कि दुर्गा इनकी माता है और काल इनका पिता है, लेकिन उस समय इन ब्राह्मण वर्ग के जो गुरुपद पर विराजमान थे व्यक्ति, उन्होंने परमात्मा का घोर विरोध किया और करवा दिया जनता से, और कहा कि कबीर तो अशिक्षित है, ये क्या जाने संस्कृत भाषा को, ये तो जुल्हा है, धानक है, हम ब्राह्मण हैं, हमने संस्कृत को पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ इन पुराणों में, ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, कोई इनके माता पिता नहीं, मृत्युंजय हैं, कालज्ज हैं, आज तक मूर्ख बना रहे थे हमारे को ये संस्कृत भाषा के जानने वाले। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले लिखा था कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। अब पहले तो परमात्मा के उस सूक्ष्म वेद में दिखाते हैं आपको कि परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में क्या टिप्पणी करी थी, और आज फिर उन पुराणों में ज्यों की त्यों पाई, जब हम शिक्षित हो गए, समझण जोगे हो गए। अब देखिएगा, अब ये है कबीर सागर, अब कितना मोटा ग्रंथ है, अब देखना इसको, इसके अंदर दिखाते हैं आपको, ये है कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई, यहाँ से ये प्रकाशित है, और इसका यहाँ लिखा है सत कबीर सागर, ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये ज्ञान बोध और बोध सागर, ये चैप्टर अध्याय है इसमें कबीर सागर में, ये सूक्ष्म वेद है और इसके 21 पृष्ठ पे है, यहाँ देखिएगा, धर्मदास ये जग बोरा ना कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कहिए राम नियारा, ये नाम गलत लिखा मिसप्रिंट है, यही ज्ञान जग जीव सुनावो सब जीवों का भरम नसावो, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई ही तेरे देवन की उत्पत्ति भाई, तेरे तीनों भगवानों का जन्म बताता हूँ, जन्म पोथी जन्म पत्री इनकी जन्म तिथि, कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई सब संशय तुम्हारे मिट जाई, भरम गए जग वेद पुराना आदि राम का वेद न जाना, आदि राम है ये, राम राम सब जगत बखाने आदि राम कोई बिरला जाने, सब राम राम अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं गॉड गॉड, आदि राम यानी सनातन परमात्मा को कोई नहीं जानता, ये राम है नाम नहीं, सब गलत पृष्ठ है, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों देवताओं के माता पिता बताता हूँ, माँ अष्टंगी पिता निरंजन ये जमदारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा देव निरंजन तन मन लोभा, काम देव धर्म राय सताए देवी को तुरंत दर खाए, पेट से देवी करी पुकारी हे साहेब में मोह करो उबारी, टेर सुनी सतगुरु ते आए अष्टंगी के बंध छुड़वाए, धर्मराय को हिकमत कीना नखरेखा से भग कर लीना, धर्मराय करे भोग विलासा माया को रही तब आशा, ये धर्मराय काल को भी कहते हैं, ये काल ज्योत स्वरूपी निरंजन काल या ब्रह्म कहो
ये दुर्गा का पति है और ब्रह्मा विष्णु महेश इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए परमात्मा बता रहे हैं। तीन पुत्र अष्टंगी जाए ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए होए होए। तीन देव विस्तार चलावे इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या सुन निरंजन बासालीन्या। तीन अपने पुत्रों को तीन लोक पृथ्वी लोक स्वर्ग लोक और पाताल लोक दे करके स्वयं वो गुप्त रहता है 21 में अपने ब्रह्मांड के ऊपर ले किनारे पर। अलक निरंजन सुन ठिकाना सुन यानी ऊपर वो कम प्लेस में या अलग स्थान बनाकर रहता है। और ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाने अलख निरंजन सुन ठिकाना ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाने। तीन देव सो उसको धावे निरंजन का व्यापार न पावे। अभी तक ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्मा विष्णु में इसको नहीं होली। अलख निरंजन बड़बट पारा तीन लोक जीव कीन आहारा। तीनों लोकों के जीवों को खाता है ये बड़ा ठग है बटपारा माने छली व्यक्ति है ये। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए सकल खाए पुन दूर उड़ाए। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पुत्रों को भी खाओगा ये आखिर में। तीन के सुत हैं तीनों देवा आंध्र जीव करते हैं सेवा। तीन के पुत्र हैं तीन यानी इनके ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं काल और दुर्गा के पुत्र हैं और ये अंधर जीव अंधे जीव इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। अंधे माने ज्ञानहीन। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या काल पाए सभी गैलीन्या। कहते तीन देव और असुर अवतारा ताको बजे सकल संसारा। तीनों गुण का ये विस्तारा धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति। कबीर परमात्मा जी 600 वर्ष पहले कहा करते थे ये ज्ञान और इन संस्कृत भाषा के जानने वालों ने कहा था कि कबीर जी तो अनपढ़ हैं अशिक्षित हैं ये संस्कृत भाषा को कैसे समझ सकते ये झूठा है कपटी है झूठ बोलता है। ऐसा घोर विरोध करा दिया परमात्मा का। वो सितम ढाए परमात्मा के ऊपर उनका इतिहास सुनाएंगे आने वाले समय में जब भी ये कई दिन का सत्संग करेंगे अगले क्योंकि तीन दिन का सत्संग तीन का भी ढाई दिन का समझ लो ये तो इसमें तो परमात्मा की भूमिका बनती है। इसलिए 17 से 21 अभी फरवरी का 5 दिन का सत्संग होगा उसमें और विशेष डिटेल बताई जाएगी। तो अब सिंपल सा आपको बताते हैं कि क्या हुआ कि परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर ये कह कर गए थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ये माता पिता हैं इनकी जन्म मृत्यु होती हो ये अजरमर नहीं है ये नाशवान है इनकी पूजा से मोक्ष नहीं। इनकी जब आप जन्म मृत्यु हो तो मैं मोक्ष कैसे देंगे